हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल में किचन क्वीन आरके में। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, रसगुल्ले एकदम स्पंजी बने हैं और खाने में भी बहुत यमी होते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है, उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे एक उबाल आने तक। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो दूध है वो अच्छे से उबल चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और दूध को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमें एकदम दूध गर्म में लेमन नहीं डालना है, थोड़ा सा ऐसे चम्मच से हिला के ठंडा कर लेने का है। अब हम उसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। अच्छे से हिलाएंगे। आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो फट चुका है और छीना और पानी दोनों अलग होने लगे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ जो दूध है वो फट चुका है। अब हम एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर सूरती कपड़ा रख देंगे। और उसमें हमारा जो दूध फटा हुआ है वो डाल देंगे ताकि छीना और पानी अलग हो जाए। अब हम उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो खट्टापन है वो दूर हो जाए। और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे ताकि जो छीने में खट्टेपन का स्वाद है वो चला जाए और हमारे रसगुल्ले में कोई भी खट्टा स्वाद ना आए और बहुत ही अच्छा स्वाद आए। इसके लिए उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसका सारा पानी अच्छे से निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे ज़रा सा भी पानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छीना चाहिए और पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसे आप करना तो अच्छे से निकल जाएगा पानी सारा। अब हमारा छीना आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हो चुका है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा छीना बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हम छीने को कम से कम 7-8 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बने। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 7-8 मिनट तक आप ऐसे करेंगे तो हमारे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे और रसगुल्ले जो है वो टूटेंगे नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार नए वीडियो लेके आऊँ और सबसे पहले आप उसे देख सकें। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 7-8 मिनट हो चुकी है और हमारा छीना है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही बढ़िया मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब हम इसके रसगुल्ले बना लेंगे। आपको जिस साइज के रसगुल्ले बनाने हो आप बना सकते हो अपने हिसाब से। हम यहाँ पे सारे रसगुल्ले रेडी कर लेंगे। हमें इसे हथेली में लेके एकदम स्लोली स्लोली बनाना है, बहुत वजन नहीं देना है, आराम से बनाने हैं रसगुल्ले। हमारे सारे रसगुल्ले यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब हम चाशनी बनाएंगे।
चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। गैस स्टार्ट कर देंगे, आधा कप चीनी डालेंगे, आधा कप पानी भी डाल देंगे और चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो चाशनी हो अच्छे से पक चुकी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारी चाशनी हो बनके रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे, धीमी आंच पे हमें रसगुल्ले यहाँ पे बनाने हैं। सारे रसगुल्ले हम यहाँ पे चाशनी में ऐड कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे 15 मिनट के लिए। और एक प्लेट ऊपर से रख देंगे यहाँ पे और अच्छे से पका लेंगे 15 मिनट तक। हमारी 15 मिनट हो चुकी है और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो रसगुल्ले है, वो अच्छे से पक गए और अच्छे से बन भी गए और कितने यम्मी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले एकदम स्पंजी यम्मी बने हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।